बीच कोरोना से जुड़ी एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इंदौर में 17 महीने बाद पहली बार आज की खबर सामने आई है इंदौर से, और पहली बार नहीं मिला एक भी संक्रमित। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अब तक 1.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं इंदौर से, और इस बीच ये बड़ी जानकारी और 1391 लोगों की भी कोरोना से मौत हुई है। बड़ी जानकारी जहां पर 17 महीने बाद पहली बार राहत की खबर सामने आ रही, जहां पर इंदौर में एक भी केस सामने नहीं आया कोरोना का। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एहतियात शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतियात, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि बड़ी खबर जहां पर 17 महीने बाद इंदौर से एक भी संक्रमित नहीं मिला है, अब क्या कुछ पूरी जानकारी है? निश्चित श्रावणी, जहां तक इंदौर की बात की जाती है तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कोरोना का दोनों ही लहरों में फर्स्ट और सेकेंड फेज के अंदर बना रहा है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर शहर में ही थे, लेकिन ये सचमुच में अपने आप में एक बड़ी राहत की खबर है कि 17 महीने बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 0 पॉजिटिव पेशेंट्स इंदौर में मिले हैं, यानी कोई भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला है। जैसा कि आपने जिक्र किया था कि तकरीबन 1.5 लाख लोग आसपास यहाँ संक्रमित हुए थे, पॉजिटिव हुए थे कोरोना से, और तकरीबन 1391 लोगों की मौत हुई थी। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत देता है, लेकिन अब भी सतर्कता जरूरी है। वैक्सीनेशन में इंदौर 100% फर्स्ट डोज दे चुका है अपने लोगों को, और जहां तक सेकेंड डोज की बात की जाती है तो उसमें भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़भाड़ नहीं करना, मास्क पहनना, यही सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि कोरोना को हराया जा सके। बिल्कुल एहतियात, देखिए 17 महीने बाद एक भी कोरोना केस नहीं आया, कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक है, लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि फिलहाल कोरोना के केसेस तो नहीं आ रहे, लेकिन कोरोना अब भी बरकरार है, खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में लोगों को लापरवाही भी बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। एब्सोल्युटली श्रावणी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी भी सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है, और खासतौर के ऊपर जो फेस्टिवल सीजन है इसमें हम देख रहे हैं कि लगातार लोग थोड़े से केयरलेस होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, भीड़ जमा करने की बात करें, बाजारों में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लोग थोड़ा सा मास्क को लेकर कैजुअल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी नजर आता है। और इंदौर में डेल्टा प्लस वेरियंट के कई सारे पॉजिटिव पेशेंट्स सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी खतरा बना हुआ है। इस खतरे को भांपते हुए आने वाले समय के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल रहती है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।